जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटा बॉडी धामोरगढ़ में 22वां दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सहित ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के अलावा पूरे देश विदेश के श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री चंपई सोरेन, गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो, जीप अध्यक्ष सुनीता देवी, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। मंच पर लुगुबुरु घंटा बॉडी धामोरगढ़ समिति के लोगों के द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को लोटा पानी के साथ गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने संथालियों के धर्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध लुगु बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सुबह में अमन चैन की दुआएं मांगी। तत्पश्चात उन्होंने मंच के माध्यम से संथाली भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए सरकार दृढ़ संकल्प करती है। सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा, JSLPS के माध्यम से हो या फिर फूलो झानो योजना के माध्यम से, सभी जगहों पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के प्रति गंभीर है। सरकार राज्य के युवाओं को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासियों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। सरकार ऐसे मेधावी बच्चों के पढ़ाई में होने वाले सभी खर्चों का वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अगर संथाली समाज को आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने बच्चों को IES, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे सभी क्षेत्रों में भेजना होगा। BNP न्यूज के लिए गोमिया से संजय कुमार की रिपोर्ट। लुगुबुरु घंटावाड़ी रोन जलवाओकान स्पोर्ट्स is becoming integral part of our life. It gives us leadership qualities, and provides us strength to fight all adversaries. Discipline in our life, commitment to teamwork, and all the prospects we enjoy has major role to play in our development, growth, and future of our country. I would not like to take too much time, but still, I would thank all the faculty members, principal, support staffs and organizers for all their hard work to make this event grand success. I have been here for last 3 hours and the enthusiasm of parents is ultimate. As you all know, no one can love us much better than our parents.